काम्या, turn around. Yeah. Oh, I can't see your curly tail. Oh my God. I think a city should be so safe that एक लड़की को कहीं जाना हो या कहीं आना हो उसको अपनी घड़ी की तरफ ना देखना पड़े। जब सिविल में कैसा होता है, कोई कोई यूनिफॉर्म का देखकर डर जाता है, तो उसमें वो सिविल में जाके थोड़े प्यार से बात करने से वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल होता है ना। That's the thing about Mumbai, यार, you never feel like बहुत रात हो गई है। और ये एक मैंने बहुत सही कल्चर देखा है यहाँ पे, जो भी टैक्सी ड्राइवर्स है वो जैसे ही मुझे अकेले देखते हैं वो पूछते हैं मैडम टैक्सी लेना है। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है बॉम्बे मेरी जान। मैं मिलने गई थी कामिया जानी से, जो कि कर्ली टेल्स की फाउंडर एंड होस्ट एंड करता धरता सीईओ सब है। एंड एज अ वुमन ट्रैवलर एंड एज अ मुंबईकर आई वांटेड टू नो हर पर्सपेक्टिव, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा क्यूट सा सेगमेंट भी प्लान किया था। हाय काम्या, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड। तुमने मुझे आधी रात को उठाया है। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, कैन यू सी दैट साइकिल राइट देयर, दैट वन? या दैट वन, कैन यू सी दैट स्मॉल वन? दैट्स योर्स। ओह, दैट्स सो क्यूट। तो इज दैट द प्लान फॉर द नाइट? आर वी जस्ट गोना गो ऑन साइकिल? यस। ये मेरे लिए कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। लेट्स गो टू वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन पवई। So we're going to turn left from here, okay? I like to come here early in the morning. Also, I knew that late night also this would be very pretty, but honestly, this is the first time I'm, stepping out at this hour. High five to that. Can you? Don't make me do high five. No, okay. No. Bad idea, sorry. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बहुत रात हो रही है. No, but that's the thing about Mumbai, यार. You never feel like बहुत रात हो गई है. किसी भी टाइम निकल जाओ, इट स्टिल फील्स लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। द सिटी नेवर स्लीप्स। साइकिल वाले तो दिखते ही नहीं है यहाँ लोगों को चलते हुए। या ओए ओए ओए, अलीशा, मुझे तो लग रहा है मैं इस साइड आ जाओ। गाड़ियाँ छोड़ो, आई थिंक आई एम गोना क्रैश इनटू यू ओनली। व्हाट इफ आई किडनैप यू? आर यू स्कैर्ड ऑफ मी? यू कांट, इट्स नॉट सो इजी टू किडनैप मी और एनी मुंबई गर्ल फॉर दैट मैटर। Yeah, I think so. You know, from the time we are raised in a city like Mumbai, I feel like kahin na hum kabhi tough se ho jate hain. Oh. And there's some sense of confidence. Darte nahi hai. I feel like most Mumbai girls are fearless. Why do you think it's the case though? ऐसा क्या है मुंबई में खास कि मुंबई की लड़कियां डरती नहीं है? सो आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन जनरलाइज दिस, बट ये मैं बोल सकती हूँ कि यू नो मोस्ट मुंबई गर्ल्स आर हसलर्स और डर कम है, बिकॉज यू नो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर ऑफन टोल्ड रात को मत निकलो, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो बचपन से उनके अंदर ना एक डर सा रहता है, विच आई थिंक लाइक डजेंट हैपन इन मुंबई। और हमें तो ऐसी ट्रेनिंग दी गई होती है, मुझे लगता है हम तो आधे गुंडे ही हैं। Even the girls, which I see in Delhi girls also, they are also pretty strong-headed. But as a solo traveler, मैं रात को नहीं निकलती हूँ। ऐसा मतलब क्यों? क्यों एकदम? वो confidence नहीं आता जो मुझे मुंबई में है। You read so much about it in the papers. Yeah. Also, like you do experience some sense of you know insecurity. You don't feel completely secure. Listen, yeah, hum cycle to nahi kar payenge. As you can see, kafi uphill hai. Bahut. Please, thank you. Kamya, aap thak gaye ho to hum cycling karna rok sakte hain. It's okay. I won't mind. Chalo. Nahi. I think cycle thak gayi hai. Cycle thak gayi hai anyway. So let's just drop it here. Yes. You can rest. You can walk. Such a nice place. I'm glad Anna? I chose you. Yeah. I have made a business out of telling people where to go. So I better take you to the best places in Mumbai. Strategy hai ye. Yeah, strategy hai. Isi tarah Curly Tales mein promote karti. Plug in. But Kamya, what do you think? How do you think can we reclaim our street? I think a city should be so safe that ek ladki ko kahin jana ho ya kahin aana ho, usko apni ghadi ki taraf na dekhna pade.
यू नो भाई क्या बात कर दिए, एक सेकेंड आई वुड लाइक टू पॉज अ लिटिल बिट. एपिफेनी. ये बहाना था रुकने का, चीज़ ही टायर्ड. You know, women need to learn how to enjoy their own company. Yeah. अकेले जाकर movie. That's so true. अकेले जाकर movie देखना, अकेले जाकर पानी पूरी खाना, अकेले जाकर restaurant में बैठना, all of these things I have done. And this is not because I'm single, okay? I'm married. मेरी एक family है और मेरी family से पहले भी मैं करती थी और मैं अभी करती हूँ. कई बार my husband doesn't want to go to a certain place, but I really want to go. I will go. That's the sense of individuality women should have. I don't know, आपके husband शायद आपसे थोड़ा नाराज होंगे, but over a period of time, they'll be okay. Yeah, they'll get used to your craziness. So far, it's been a crazy night. But in सबके बाद जब मैं एक city का report card बनाने गई, तो एक perspective बिल्कुल missing था, authorities का. So I went to meet the Nirbhaya squad and all women cop squad in Mumbai to know how they function. तो अभी हम लोग निर्भया स्क्वाड की एक पुलिस वैन में बैठे हैं और मेरे साथ है आपका नाम अनीता पुरी. अनीता पुरी जी, और वो हमें बताएंगे कि निर्भया स्क्वाड कैसे काम करता है. रात को ऐसे ही पूरे एरिया में घूमता रहता है. जब कोई लेडीज दिखी तो पूछते हो, मैडम कहाँ जा रहे हो, किधर जाना है, कोई परेशानी है क्या. जब लेडीज को कोई मदद मिलती है तो लेडीज गाड़ी होनी चाहिए ना, जो कभी की उसको जरूरत होगी तो उसमें लेडीज अवेलेबल हो सकती है. तो बाकी के गाड़ी में ज़्यादातर नहीं रहती है लेडीज अवेलेबल. और जैसे मैं देख रही हूँ आपने सिविल कपड़े भी पहने हैं. हाँ. तो ऐसा क्यों करते हैं वैसे? वो ऊपर से ऑर्डर आया है. जब सिविल में कैसा होता है, कोई कोई यूनिफॉर्म का देख कर डर जाता है. तो उसमें वो सिविल में जाके थोड़े प्यार से बात करने से वो उसको थोड़ा कम्फर्टेबल होता है ना. एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अथॉरिटीज टू हैव. बट देयर आई मेट समवन हुज ओपिनियन वाज जस्ट ऑफ पुटिंग. लड़कियों को सपोज आपको कोई मैसेज देना हो मुंबई पुलिस की तरफ से. लड़कियों के लिए मैसेज यही है कि पेरेंट्स का पालन करें, पेरेंट्स की बात को माने. कभी कभी ऐसी जो अभी कौन सा हुआ ना 50 टुकड़े, तो माँ बाप के बिना पूछे अपने मनमानी किया, इसके लिए उसकी जो है वो इतने टुकड़े करके मर्डर हो गए. आजकल तो बहुत ऐसा भी देखा जाता है, कहीं भी लड़की जा रही है, कहीं भी आ रही है, पेरेंट्स को कुछ ध्यान नहीं है. लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन अजीब है? से ये सब तो पब्लिक स्पेस है ना हमारा. तो ऐसा कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं सेफ फील करने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है? सेफ फील के लिए किया जा रहा है और मुंबई जैसे शहर में तो ज़रूरत भी नहीं है. इतना सेफ है मुंबई, इतना हमारा अच्छा चल रहा है सब, कि हर लड़की सेफ है. लेकिन कभी कभी लड़कियाँ की भी गलती रहती है. इसके बाद मुझे लगा मेरा ट्रिप कम्प्लीट हो गया. मैंने मुंबई में जितना एक्सप्लोर करना था, जैसे देखना था, जितने रॉ फॉर्म में, जितने लोगों से मिलना था, जितना कुछ एक्सपीरियंस करना था कर लिया. एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर द रिपोर्ट कार्ड. तो मैंने ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाए थे, स्ट्रीट लाइट्स, पीपल, अथॉरिटीज. मतलब यहाँ के पुलिस वाले बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत अप्रोचेबल है. जनरली आप देखो तो पुलिस का ही परसेप्शन होता है, ओ पुलिस आ रही है, भागो भागो. दैट्स द जनरल परस्पेक्टिव. Even if आपने क्राइम किया हो या नहीं किया हो, streets were very well lit. There is gender visibility. I see women as much as I see men. Local transport की कोई कमी नहीं है. रात हो ऐसा लग रहा है कि दिन की तरह ही cabs, auto सब कुछ available है. I think one reason why Mumbai is so lively and welcoming towards women is because यहाँ पे women are empowered. यहाँ पे कोई डरता नहीं है. They just go out. It sense of liberation है मुंबई में. आई एम श्योर देर मस्ट बी सम एरियाज जो मैं कवर नहीं कर पाई बिकॉज आई जस्ट हैड वन नाइट. बट जितना भी किया, जैसे भी किया, आई लव्ड इट. इफ देर इज अ फीमेल ट्रैवलर हु वॉन्ट्स टू कम टू मुंबई, आई वुड एनकरेज देम टू, बिकॉज दिस इज अनडाउटेडली आई वुड से वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया नाउ.